दिल्ली वालों को गोवा बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। They are in love with Goa. गोवा। गोवा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए राइट नाउ? जब गोवा जाते हैं एक थॉट तो उनके दिमाग में आता है ये कि यार गोवा में तो एक लैंड होना ही चाहिए। बिल्कुल सबके में, मेरे में भी आता है। एक फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट है, 132 एकड़ का यूज लैंड, यार बहुत यूज लैंड। तो हाय, आज हम बात करें द हाउस ऑफ अभिनंदन लोथा के बारे में। हम आए हैं श्रेय सरकार के पास पता करने के लिए कि जो इनका नया प्रोजेक्ट आया है गोवा में, क्या उनके अंदर बेनिफिट्स हैं, अभिनंदन लोथा बेटर क्यों है, हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हाय श्रेय, हाय आशीष, हाय श्रेया। तो श्रेय बेसिकली मुझे बताइए अभिनंदन लोथा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये कंपनी के बारे में कुछ हमें इंट्रोड्यूस कराइए और हमारे व्यूअर्स को भी। सो सबको बहुत ज्यादा वार्म वेलकम विद हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा। कंपनी के बारे में थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, हम यू कैन से हम इंडिया के लार्जेस्ट ब्रांडेड लैंड डेवलपर्स है। हमारे प्रोजेक्ट्स ऑल अक्रॉस इंडिया है और क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब है। जैसे कि अभी तक हम 8 प्रोजेक्ट्स इन इंडिया डिलीवर कर चुके, कंप्लीट कर चुके, और क्लाइंट्स हमारे 23 कंट्रीज प्लस से है। 2020 से स्टार्ट किया था कंपनी और अभी बहुत सक्सेसफुली हम लोग चल रहे हैं। एक जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी ने अयोध्या में एक लैंड पार्सल खरीदा था, अलीबाग ऑल्सो, करेक्ट, अलीबाग ऑल्सो। तो वो अयोध्या और अलीबाग का प्रोजेक्ट हमारे ही प्रोजेक्ट थे। वी आर वेरी ग्लैड टू हैव हिम ऑन बोर्ड विद अस। उसके अलावा भी अगर आप प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, महाराष्ट्र के कोंकण बेल्ट में जैसे कि दापोली, अंजर्ले, अलीबाग हो गया, फिर गोवा में 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर अयोध्या, माथेरन, ऐसे बहुत सारे टूरिस्ट एरिया में हम लोग प्रोजेक्ट्स लाते हैं। तो आप लोग बेसिकली टूरिस्ट एरिया ही देखते हो, ऐसा क्यों? 3 चीजें हैं यहाँ पे जनरली इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप देखते हैं तो। क्लाइंट्स नंबर 1 अप्रिसिएशन के लिए आते हैं, नंबर 2 या तो उनको सेकेंड होम या विला बनाने के लिए आते हैं। हम लोग एक थर्ड एंगल ऐड कर देते हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। टूरिस्ट लोकेशन पे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते, क्लाइंट्स कैन वेरी इजीली वहां पे अपना वेकेशन होम या विला या कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना हो, थ्रू आउट द ईयर उनको एक पैसिव इनकम मिल जाता है, रेंटल यील्ड आ जाता है उनके पास, ताकि वो वहां पे ना भी रहे उस प्रोजेक्ट में अर्निंग होती रहे। ग्रेट। तो अभी तक ये आपका 8वां प्रोजेक्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके 8 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं एक बार ये और बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। तो जैसे अलीबाग का प्रोजेक्ट हो गया, अयोध्या का प्रोजेक्ट हो गया, गोवा में 2 प्रोजेक्ट हो गए, फिर माथेरन में हो गया, दापोली में हो गया, बिचलिम में हो गया, ऐसे करके आपके 8 प्रोजेक्ट। हाँ जी। अभी हम जो बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं गोवा के जो आपका 132 एकड़ के टाउनशिप, yes, right? yes. उसका नाम है वन गोवा। वन गोवा, exactly. आज के डेट पे अगर आप गोवा जाते हो तो आपको वन गोवा गोवा में हर जगह दिखेगा। एक यूएसपी है प्रोजेक्ट के बारे में, गोवा में दिस इज एक फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट है। 132 एकड़ का प्रोजेक्ट, यार बहुत यूज लैंड है। आज तक कोई भी लैंड डेवलपर्स दैट टू 5 स्टार एंड ब्रांडेड आज तक नहीं आया। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे ज्यादा यूएसपी आपके इन्वेस्टर्स के लिए ऐड हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अभी हम बात कर रहे हैं दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर वालों को, गोवा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए राइट नाउ? लोग तो खाली घूमने जाते हैं गोवा या पार्टी करने जाते हैं हफ्ते 10 दिन, बट इन्वेस्टमेंट क्यों, फ्यूचर डेवलपमेंट, वहाँ फ्यूचर क्या दिखता है आप लोगों को? बिकॉज आप लोगों ने 132 एकड़ की लैंड में इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच के तबड़ा इन्वेस्टमेंट किया होगा। और आपका थर्ड प्रोजेक्ट है, आई थिंक आपसे जहाँ भी आप लोगों ने करा होगा, किसी भी जगह आपने 3 बार इन्वेस्टमेंट नहीं किया, चाहे और महाराष्ट्र हो या वो अयोध्या हो, यहाँ पे आप बैक टू बैक थर्ड टाइम आ रहे हैं, तो रीजन क्या है, गोवा इतना पसंद क्यों कर रहे हो आप? ओके आशीष जी, यहाँ पे सिर्फ दिल्ली एनसीआर गुड़गांव वालों ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट। बट अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखते हैं तो 70 लाख टोटल अगर टूरिस्ट होते गोवा में, 30 लाख सिर्फ दिल्ली एनसीआर गुड़गांव में से ही जाते हैं। और एक चीज हमने नोटिस की है कि दिल्ली वालों को गोवा बहुत पसंद है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। They are in love with Goa. ऑफ सीजन में गोवा में आने ही नहीं देते। हाँ जी। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मिड हो, जाना ही है गोवा। एक और चीज भी यहाँ पे है, नॉट जस्ट उनको गोवा पसंद है, वो लोग जब गोवा जाते हैं एक थॉट तो उनके दिमाग में आता है ये कि यार गोवा में तो एक लैंड होना ही चाहिए। बिल्कुल सबके में, मेरे में भी आता है।
हम भी जब जाते हैं लगता है कि यार एक परसेंट, बट गोवा हम सोचते ना कि लैंड तो लगता है बहुत एक्सपेंसिव होगा गोवा यार, बट जो आप प्राइस लेके आए हो मुझे तो पता है यार, हमारे व्यूअर्स को नहीं पता क्या प्राइस है, लैंड साइज आप क्या, और बेस्ट पार्ट क्या है, हम लोग दिल्ली गुड़गांव में रहने वाले लोग हैं तो यहाँ फ्लोर चलते हैं, बट आप लोग एग्जैक्टली एक लैंड दे रहे हो जिस कॉस्टिंग में, कनेक्टिविटी का पहले बताइए और फिर प्राइसिंग के बारे में। उसके पहले भी एक चीज मुझे लगता है व्यूअर्स को पता होना चाहिए, हमारे जैसे लोग जो कि गोवा में नहीं रहते, गोवा में लैंड खरीदने का मन तो सबको exactly. है, बट नहीं खरीद सकते। मैं ये बोलने वाला था, बिल्कुल बहुत दिक्कत से लैंड। ऐसा रीजन क्या है, क्या रीजन है कि नहीं खरीद सकते? मैं बताती हूँ, एज अ नॉन गोवन वहाँ पे हम सिर्फ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड ही खरीद सकते हैं। ठीक है, 3,700 स्क्वायर किलोमीटर अगर गोवा का टोटल एरिया है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो कि सनद बोलते हैं वहाँ पे, बिल्कुल 1% ही अवेलेबल, 1% ओनली 1%। एंड मिस्टर आशीष ऑन टॉप ऑफ दैट वो 1% भी परचेज के लिए अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर भी आपको गोवा में लैंड बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत अफोर्डेबल पे। बट खरीदने के बाद मेरे खुद के क्लाइंट्स ऐसे आ चुके हैं कि श्रेया जी अफोर्डेबल लैंड के चक्कर में गोवा में प्राइस के बाद पेमेंट के बाद पता चला वो लैंड तो बरियल ग्राउंड के लिए है, चर्चेस के लिए है। 1962 तक वहाँ पे पोर्चुगीज लोग रहते थे, वो लैंड खरीद के चले गए और अभी पता ही नहीं है पेपर वर्क का क्या है, तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ जी, बहुत सारे लैंड, दिस इज द रीजन आपको कोस्टल लैंड में भी लैंड बहुत कम मिलते और गोवा में बहुत डिस्प्यूटेड लैंड है। तो हम यहाँ पे हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा 0.2% लैंड अवेलेबल है गोवा में खरीदने के लिए, तो हम आपको प्रोवाइड करते फ्री होल्ड लैंड ओनरशिप, मतलब कागज सारे कंप्लीट, बेसिकली समझाया जाए तो सनद दैट इज नॉन एग्रीकल्चरल, और हम लोग फ्री होल्ड लैंड ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं विद टाइटल क्लियर, तो आपको इधर से उधर भागा दौड़ी करना ही नहीं पड़ता है। मतलब अगर हमारे व्यूअर्स खरीदते हैं तो वो बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं। हाँ जी, कि कागजों की कार्रवाई पूरी आप लोगों ने कर रखी। हाँ जी, ग्रेट, ओके। अब आती है बात कनेक्टिविटी की, कि एग्जैक्ट में ये पड़ता कहाँ है, बीचेस कितने दूर है, सबके मन में रहता है, यहाँ से क्या क्या चीजें नियरेस्ट हैं आपके प्रोजेक्ट के पास, और मेन एयरपोर्ट कितना दूर है? तो एक चीज है, दिल्ली के जो कस्टमर्स है, दिल्ली के जो भी व्यूअर्स होंगे उनको पता ही है जेवर आज के डेट पे बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बहुत पास है, एरोसिटी बिल्ड होने वाला है। उसी तरह से गोवा का जो स्टेट है वो एक डुअल एयरपोर्ट स्टेट है, बिल्कुल। मोपा एयरपोर्ट जो आया है वो नया बना है, बिल्कुल। और हमारा प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में है, हाँ। बीचोलिम बोल के एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, उसके आसपास मांडवी रिवर है, बीचोलिम रिवर है, एकदम ग्रीनरी के लश में, तो वो मोपा एयरपोर्ट से नजदीक में आता है, और थिवेम जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे पास है, एक स्टेट हाईवे टच प्रॉपर्टी है जो कि इन टर्न कनेक्ट्स विद नेशनल हाईवे, मोपा एयरपोर्ट से हम लोग पास है। अब अगर आप मैप पे देखोगे नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो प्रोजेक्ट है बीचेस है 40 से 50 मिनट की दूरी पे। विजन कुछ ऐसा है मिस्टर आशीष कि मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो बताते हैं कि 10 साल पहले जो गोवा हुआ करता था आज के डेट पे वो गोवा सेम नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो 130 एकड़ का जब हम प्रॉपर्टी ला रहे हैं गोवा में ही, एक मिनी गोवा बनाने का हमारा विजन, जो गोवा मिल नहीं रहा था हम लोग को आज के डेट पे, वही 10 साल पुराना गोवा हम लोग ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक 5-स्टार टाउनशिप बन रहा है, जब वहां पे क्लब आएगा गोवा का लार्जेस्ट 40,000 स्क्वायर फीट का ब्रांडेड क्लब, 40,000 स्क्वायर फीट, यस, ब्रांडेड जिम, गो प्रोजेक्ट के अंदर ब्रांडेड जिम एंडोर्स्ड बाय टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, बॉलीवुड आइकन्स। Then we are also coming up with, for the first time in India, India's first man-made beach in our project. वो 2.5 acres में। 2.5 acres में। तो आप समझ सकते हैं कि investment opportunity बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। Airport के पास है, गोवा का largest project है, development project के अंदर जो भी आने वाला है, it's a Grab it, मतलब बेसिकली लोधा सब कह रहा है कि हमारे पास बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। आपको पार्टी करनी है, क्लब है, आपको बीच जाना है, हाँ। अंदर है, हाँ। सब कुछ आप अंदर ही दे रहे हैं। इसका एक मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग दे रही हूँ। गोवा में जब लोग घूमने जाते हैं
जब पार्टी करना होता है तो नॉर्थ में चले जाते हैं, जब फाइव स्टार लग्जरी होटल में जाना होता है सेंट्रल में रहते हैं, और जब सुकून में बीचेस चाहिए होता है, ग्रीनरी चाहिए होता है, साउथ में जाते हैं। बिल्कुल। प्रोजेक्ट का विजन कुछ ऐसा है, एक अंडर द रूफ, अंडर वन रूफ, एक ही प्रोजेक्ट में आपको पार्टी करना है, प्रोजेक्ट के अंदर बीच है, प्रोजेक्ट के अंदर रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, सब हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। इसके ऊपर भी जैसे कि मैंने बताया लग्जरी होटल सेंट्रल से साउथ की तरफ है, हम हमारे प्रोजेक्ट में एक फाइव स्टार डेवलपमेंट ऑलरेडी है, फाइव स्टार डेवलपमेंट के अंदर एक फाइव स्टार लग्जरी होटल भी ला रहे हैं, वो भी नॉर्थ में। नॉर्थ, यस। प्रीवियस जो हमारे कोलैबोरेशन थे जैसे कि लीला, ताज, कुछ उसी तरीके के हम लोग एक फाइव स्टार लग्जरी होटल कर रहे हैं। अभी नाम कंफर्मेशन नहीं है पर ब्रांड्स कुछ इस टाइप के ही आएंगे। इट्स अ सरप्राइज। जैसे प्राइस अमाउंट का सरप्राइज था हम लोगों के लिए, आप लोगों ने पहले जो मार्केटिंग की थी वो अलग प्राइस था, बट ऑलमोस्ट जैसे दिल्ली गुड़गांव में बिल्डर्स होते हैं, प्राइसिंग रेट कुछ और होता है, जब लॉन्च करते हैं वो बढ़ जाता है। हाँ जी। लाइक अगर मैं बात करूँ और भी बिल्डर्स में, नाम नहीं लूंगा, उनके एक एक्सपेक्टेड अमाउंट होता है, ये होता है उनका ईओआई, आप ईओआई बुक करोगे आपको ये रेट पड़ेगा, और बाद में जैसे ही वो कंफर्मेशन हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है। बट लोधा का अलग है, लोधा ने ईओआई जो प्राइस लॉन्च किया वो एक अलग था, बट अभी वो सरप्राइजिंगली बहुत नीचे है। तो प्लीज उसके बारे में कुछ कंफर्मेशन दीजिए और एग्जैक्ट रेट क्या है, अगर किसी को लेना होगा कैसे कनेक्ट करेगा और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। देखिए मिस्टर आशीष, बिल्कुल पहली बात तो क्योंकि प्रोजेक्ट्स भी हमारे बहुत अलग होते हैं। हाँ, डेफिनेटली बहुत अलग होते हैं। स्ट्रेटजीज भी इसलिए उसी हिसाब से हम लोग अलग ही बनाते हैं। तो अगर आप देखते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमने कैसे किया था, अगर आप गोवा का मैप देखते हैं, आसा गांव में आज के डेट पे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं, वो भी लैंड तो आपको मिल जाएगा, एमिनिटीज के साथ नहीं मिलेगा जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सोसाइटी, एमिनिटीज, लैंड मिलेगा, बट वो भी रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट वो भी आपको 2.1 सीआर के आसपास ही मिलेगा। नीचे जाते हैं दाबोलिम के पास, हमारा खुद का प्रोजेक्ट, 1.6 सीआर से 2.1 सीआर तक आपको मिलेगा। तो बीच में बीचोलिम जो है उसका प्रोजेक्ट का प्राइसिंग आप अगर एस्टिमेट करोगे तो समवेयर वो 1.4 टू 1.5 सीआर में ही होना चाहिए। बिल्कुल। पर प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी में लॉन्च के पहले हम लोगों ने 99 लाख पे 1500 स्क्वायर फीट का प्राइस रखा। बिल्कुल। नाम है हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, प्रोजेक्ट देख के हमारे क्लाइंट्स बहुत खुश हो गए। बिल्कुल। 400 एप्लीकेशंस तभी आ गए थे हमारे पास कि 99 लाख पे, हाँ, कि बुक करके रखते हैं आगे जाके जब लेआउट आएगा ताकि हमारे पसंद का प्रेफरेंस का प्लॉट तभी मिल जाए। बिल्कुल। लॉन्च जब हुआ 5 दिन पहले, अभी लॉन्च हुआ था 2 तारीख को, बिल्कुल, हम लोगों ने प्राइस रिवील किया था 84 लाख में, राइट, 1500 स्क्वायर फीट। वही सेम 400 कस्टमर्स जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाल रखे थे उनको इतना अच्छा लगा ये प्राइसिंग स्ट्रेटजी कि वो 2-3 एप्लीकेशंस और बुक कर दिए लोगों ने। पर मैंने अभी बताया कि हम लोग गोवा में फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सारे अमेनिटीज के साथ ऐड ऑन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि लगभग उसका एक मेंबरशिप प्राइस देना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप चाहिए तो आपको लगभग 11 लाख के पास देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि लॉन्च प्राइस हमने कुछ स्ट्रेटजी से ऐसे बनाया है कि आज के डेट पे अगर आप एप्लीकेशन अमाउंट 45,000 का पे कर देते, बुक कर देते अपना कि मुझे आगे जाके आपके लेआउट देखना है ताकि मुझे अपना प्रेफर्ड स्लॉट मिल सके, तो मैं वो 10.62 लाख जो कि क्लब ओनरशिप चार्जेस होता है लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए, हम लोग वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वेव ऑफ कर रहे हैं। तो आपको देना पड़ेगा 1500 स्क्वायर फीट के लिए, यानी कि आप समझ सकते हो 170 गज के आसपास। हाँ। 170 गज में आपको देना पड़ेगा 73.53 लाख ओनली, ऑल इंक्लूसिव 1534। यस, 1534 स्क्वायर फीट। यस, ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट है कि 74,53,000। यस, नहीं नहीं 73.53। तो इसमें प्राइसिंग हो गई हमारी, कनेक्टिविटी हो गई, अब बात आती है रेरा की। क्या आपका प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है? गुड क्वेश्चन। आज तक जितने भी प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया है, रेरा के बगैर हम लोग फंक्शन नहीं करते। ग्रेट। कंपनी कुछ ऐसा ही है, एस्टैब्लिश्ड है, क्लाइंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना है क्योंकि एक प्रोजेक्ट के साथ नहीं जुड़ना है। आगे जाके हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स आएंगे तो
उनके साथ तब भी जुड़ना है हमें, ऐसे हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो हमेशा रेरा अप्रूव किया जाता है। लास्ट नॉट द लीस्ट, पोजीशन आप कब हैंड ओवर कर रहे हैं? सो पोजीशन, जैसे हम लोग का पेमेंट प्लान है, पेमेंट प्लान 24 महीने का है, तो 2026 तक हम लोग प्रोजेक्ट डिलीवर कर देंगे दिसंबर। तो 2.5 साल के अंदर आप ये सारी एमिनिटीज बना देंगे? हाँ, क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि लैंड में ज्यादा काम करना नहीं पड़ता है। ठीक है, लैंड लेवलिंग करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, एंड बाकी जो मेन काम रहता है वो एमिनिटीज का ही है हमारे पास। ठीक है, एमिनिटीज हम लोगों ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, 2 साल में हम लोग कर देंगे। हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट, एक जो प्रोजेक्ट है पोजीशन हो गया है उसका, गोवा का जो एक इंपीरियल गोवा करके जो प्रोजेक्ट है उसका पोजीशन अगले महीने ही। हाँ, एक छोटा सा फैक्ट यहाँ पे, हम लोग जब लेट नहीं करते रेरा के टाइमलाइन के आगे, बट आज के जमाने में जब बिल्डर्स बहुत डिफेम्ड है कि वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करते, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा गोवा का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हम अगले महीने डिलीवर करने वाले, रेरा के टाइमलाइन से 10 महीने पहले हम लोग प्रोवाइड करते। अच्छा, जैसे कि 2025 में उसका डिलीवरी आने वाला था, हम लोग अगले महीने दे रहे हैं। तो इफ नॉट प्रोजेक्ट के पहले, प्रोजेक्ट पोजीशन डेट के पहले, हम लोग डेट तक दे ही देते। ग्रेट। सेकंड क्वेश्चन, कि किसी को अगर बड़ी फैमिली है या बड़ा विला बनाना है, तो आपका साइज क्या, एक ही है 15-24 स्क्वायर फीट? नहीं, साइज अगर कंफर्म करेंगे एक बार। साइजेस वैसे अभी हमारे पास इन्वेंटरी है 1500 और 1800 का, और आगे जाके अगर आपको लार्ज साइज प्लॉट चाहिए तो 2 प्लॉट हम लोग एमलगेमेट करके कि 1 प्लॉट बना सकते हैं। वो एलोकेशन पे जब हम बैठते हैं उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग के पास जितने भी प्लॉट्स अवेलेबल होंगे वैसे हम लोग उनको प्रोवाइड कर देते हैं, गिवन क्योंकि डिमांड इतना है, प्रोजेक्ट ही ऐसा है कि एक एप्लीकेशन अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके बाद ये फिर ये हम लोग टाइम स्टैम्प प्रोसेस में चलते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे पहले एप्लीकेशन अमाउंट 45,000 का पे कर दिया, लेआउट आपके पास पहले एक्सेसिबल होगा, तो आपका जो चॉइस होगा हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे। इट्स जस्ट ग्रेट आंसर। तो ये था अभिनंदन लोधा के बारे में, जो लोग अपना इवन प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं गोवा में। आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वन मोर थिंग, ये जो 45,000 हम लोग लेते हैं, दिस इज 100% रिफंडेबल। रिफंड लेना ही क्यों जब इतना कुछ मिल रहा है, तो व्हाई नहीं लेना रिफंड, बुक करना है, प्लीज कॉल दिस नंबर।